हेंगे. मतलब कोई इंसान अनपर्टर्ब होगा अगर उसके इर्द गिर्द जो भी सर्कमस्टेंसेज या सिचुएशंस हैं उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा है जैसे कोई टेंस माहौल है लेकिन वो इंसान उसमें टेंशन में नहीं आ रहा है तो वो अनपर्टर्बड है या जैसे इर्द गिर्द बहुत शोर हो रहा है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ऐसा इंसान है मतलब कि जो उसके इर्द गिर्द के जो भी हालात है या जो भी सिचुएशन है उसके इर्द गिर्द का जो भी माहौल है वो माहौल उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा है कोई इंसान इंतहाई नेगेटिव लोगों की सोबत में वो रहता है लेकिन वो खुद बड़ा पॉजिटिव है तो अनपर्टर्बड मुश्किल है ऐसा होना क्योंकि ऐसे इंसान का होना जिसके के ऊपर सर्कमस्टेंसिस का आ, असर ना पड़े लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इर्द गिर्द उनके जो भी माहौल हो उसका वो असर नहीं लेते वो फोकस्ड होते हैं अपने गोल की तरफ ठीक है तो ऐसे लोग अनफ्योटर्ब्ड होते हैं सेंटेंस क्या होगा डिस्पाइज डिस्पाइट द खेओस अराउंड हर सारा रिमेंड अनफर्बड एंड फोकस्ड ऑन हर वर्ड ठीक है ना कि उसके इर्द गिर्द जितना भी खेस था जितना भी शोर था हलचल थी हंगामा था जो भी चल रहा था उसके इर्द गिर्द वो उसके बावजूद वो अनपर्टर्ब रही मतलब उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रही थी और वो अपने काम पे फोकस्ड रही वो जो भी काम कर रही थी उस वक्त तो वो उसके ऊपर उसका कंप्लीट फोकस था इर्द गिर्द के माहौल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो इस तरह के लोग आप कहेंगे बेअसर मतलब उन पे असर नहीं हो रहा होता इर्द गिर्द के माहौल का ठीक अच्छा, हमारे पास है 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 वो है जी वुसिफुरेट, वुसिफुरेट वर्ब है और इसका मतलब होता आउट लाउडली चीखना चलाना जिसको कहते हैं ऊंची ऊंची बोलना बहुत ज्यादा ठीक है तो ऊंची ऊंची बोलने को हम वो करना कहेंगे सेंटेंस क्या होगा पोलिटिकल एक्टिविस्ट वोसिफुरटेड अगेंस्ट द गवर्मेंट पॉलिसीज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट आपने कभी कोई प्रोटेस्ट वगैरह देखे हो तो उसमें लोग जोर जोर से चला रहे होते हैं ना नारे लगा रहे होते हैं ठीक है वो वरेट कर रहे होते हैं ऊंची आवाज में लाउडली बोलना चलाना उसको वसीफरेट करना कहते हैं जैसे अक्सर कुछ लोग जो होते हैं वो गली में खड़े होकर ऊंची ऊंची बोलने लग जाते हैं कि किसी को ऊंची ऊंची आवाजें देने लगते हैं ठीक है तो वो क्या वो वसीफरेट करना होता है ठीक तो वो जो पोलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो क्या कर रहे थे वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज थी उसके खिलाफ वो वसीफरेट कर रहे थे मतलब ऊंची ऊंची जो ना वो चीखरे चला रहे थे ड्यूरिंग

उसके जो भी वहां पर उसकी प्रेजेंस के साइंस वगैरह होंगे या एविडेंसेस होंगे वो उसको क्या करता है वो इफेस करता है मतलब उसको मिटाने की कोशिश करता है बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करता है कि इनका वजूद ही ना रहे तो इस तरह से किसी भी चीज को कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश करना कि वो चीज मौजूद ही ना रहे जिसको मलिया करना उर्दू में बोलते हैं या मिटाना उर्दू में बोलते हैं या आप किसी को कहें कुछ कि किसी ने आपका प्लान पूरी तरह से खराब कर दिया और उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया तो आप कहेंगे यू इफेस्ट माय प्लान ठीक है तुमने मेरा प्लान खत्म कर दिया मेट कर दिया तुमने मेरा प्लान ठीक तो इसको इफेस करना कहेंगे अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी फ्लरी फ्लरी नाउन है और इसका मतलब होता है ब्रीफ एंड सडन बर्स्ट और खमोशन ऑफ एक्टिविटी जिसको हम हलचल कहेंगे आ, जो एकदम से किसी चीज की आपको एक हलचल सी कोई भी चीज हो कोई एक्टिविटी हो उसकी एकदम से आपको हलचल सी महसूस होना तो उसको फ्लरी कहेंगे और अच्छा फ्लरी को हमेशा यूज किया था फ्लरी ऑफ और वो जिस भी चीज की हलचल है उस चीज का आगे नाम जो ना वो बोला जाता है जैसे कि सेंटेंस में आप देख लें बिफोर द एग्जाम देर वॉज अ फ्लरी ऑफ स्टूडेंट्स रिव्यूइंग देर नोट्स इन

मतलब किसी बस पे किसी स्टेशन पे चले जाए या किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाए वहां पर अगर अगर मतलब के ट्रेन जो है छूटने वाली है या बस छूटने वाली है तो आपको फ्लरी ऑफ पैसेंजर्स वहां पर नजर आएगी कि पैसेंजर्स की एक जो है ना वो हलचल सी आपको वहां पर नजर आएगी हर कोई कोशिश की कोशिश होगी कि वो बस फटाफट वो अपनी टिकट अगर उसने नहीं पहले से ली हुई है वो ले ले अपना सामान लोग पकड़े होते हैं वो सवार हो रहे होते हैं तो एक आपको फ्लरी ऑफ पैसेंजर्स वहां पर नजर आएगी ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑल्ट्रकेशन ऑल्ट्रकेशन नाउन है और इसका मतलब होता हो तो जिसमें तू मैं तु, 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 जिसको क्या कहेंगे तू तड़ा कहेंगे, तु, तु, मैं, मैं कहेंगे जिसको ऑल्ट्रकेशन कि दो लोगों के दरम्यान में एक वर्बल जो है वो लड़ाई जो हो रही होती है उसको मतलब बातों से लड़े होते हैं जो लोग तो सेंटेंस क्या हुआ दिटेड ज्यादातर दो दो तो आपको वो पूरी गली में उनकी आवाज जो वो सुनाई देगी तो वो उनके दरमियान में एक जो वो वर्बल जो भी हो रही है वो जो लड़ाई हो रही है वो ऑल्ट्रिकेशन है वर्बल अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड वो है बिविल्डर बीविल्डर जो है ये वर्ड इसका मतलब टू कंफ्यूज और समवन ग्रेटली किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं जिसको हम उलझाना कहेंगे कुछ लोग होते हैं ना उनको दूसरों के माइंड्स के साथ खेलना बड़ा आता है इस तरह से कंफ्यूज कर हैं दूसरे इंसान ही वो जहनी तौर पर वो इंसान उलझ जाए उसको समझना है वो कन्फ्यूज हो जाए उसको समझना है तो आपने उस इंसान को बिविल्डर कर दिया है अक्सर टीचर्स भी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि इस तरह से ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन करना कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है तो वो टीचर ने क्या किया, उसको कर दिया मतलब उसके उससे थोड़ा सा अंदाज़ से पूछे Sentence क्या हुआ एम्प्लॉय uh, अब जो एम्प्लॉय को जो भी उसका manual मिला उसमें जो वो इंस्ट्रक्शन थी लिखी हुई वो इतनी complex थी उसको समझ ही नहीं आ रही थी तो वो क्या हो गया वो कंफ्यूज हो गया वो बिविल्डर हो गया वो उलझ गया उसको उसको समझी नहीं आ रही थी कि ये, मतलब क्या? इसमें लिएस्ट्रक्शन लिखी गई है नेक्स्ट हमारे पास है वो है जिसुब्रिय सूब्रियस जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है समथिंग दैट इज हेल्थ गिविंग होलसम और प्रमोटिंग गुड हेल्थ जिसको हम सेहत सेहतमंद कहेंगे कोई एक्टिविटी हो सकती है जैसे एक्सरसाइज को कहा जाता है सुबह की मॉर्निंग वॉक को कहा जाता है कि ये बड़ी सेहत बख्श है तो कहेंगे कि मॉर्निंग वॉक इज स्लूब्रियस ठीक है या डेली वर्कआउट करना स्लूब्रियस है हमारी सेहत के लिए अच्छा है फूड्स को कहा जाता है कि जनाब जैसे कहा जाता है कि आठ से दस गिलास पानी पीना चाहिए ये स्लूब्रियस है मतलब हर

फ्रेश एयर जो है वो मिलेगी तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है फिर उसमें ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें की कोई ना कोई किसी ना किसी, किसी प्रॉब्लम का बीमारी का क्योर होता है कुछ बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं कुदरत ने बनाए हैं अल्लाह ने बनाए हैं कि जिसमें इंसान की बहुत से मसाइल्स के जो है वो सोलूशन होते हैं उन, उन प्लांट्स के अंदर तो वो जो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स होते हैं अच्छा नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी, क्लेंच। क्लेंच जो है ये वर्ब इसका मतलब एक्शन ऑफ क्लोजिंग और टाइटनिंग समथिंग फर्मली किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ लेना हाथ से पकड़ लेना बड़ी मजबूती से अच्छा अक्सर लोग अपने हाथ को गुस्से में ऐसे वो मुट्ठी सी बनाते हैं ना इसको भी क्लेंच करना कहते हैं ठीक है आपने मतलब अपने हाथ को बहुत मजबूती से ऐसे कस लिया कसने को टाइटन कर लिया अपने हाथ को तो इसको भी क्लेंच कहते हैं इसी तरह से जैसे आप किसी चीज को अपने सीने के साथ बड़ी मजबूती से लगा लिया जैसे कोई खुदा ना ख्वासा किसी खातून का पर्स

ओके okay, जी फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन खत्म होता है आई होप कि इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी आपने सीखी है और आपको कुछ और वर्ड्स अगर सीखने आप जानना चाहते हैं कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं तो नेक्स्ट लेसन में फिर मैं उनको इंक्लूड करूंगी